I, Rosie Jain, discuss the topic increasing and decreasing functions. इस टॉपिक को हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे. पिछली वीडियो में हमने जो है एलजेब्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो है वो डिस्कस किया था. आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, जीरो टू टू पाई. एक्स की वैल्यू जो है आपकी, जो आपके लिए एंगल का काम कराया, उनकी वैल्यू है 0 और 360 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 360. और आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स के लिए वो इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है. तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्क जो है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन. अब यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई कुछ वैल्यू नहीं है. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ताकि हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें. तो हमने एफ डैश एक्स को जीरो लिया, दैट मीन्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो. नाउ इट कैन बी रिटन एज माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स. माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स. माइनस माइनस कैंसिल हो गए बोथ साइड्स पर आपके. और अब एक टी रेशियो में चेंज करने के लिए हमने दोनों तरफ कोस से डिवाइड कर दिया. अब कोस से डिवाइड किया तो साइन बाई कोस हो गया टेंजेंट और कोस बाई कोस हो गया वन. टेंजेंट एक्स जो है उसकी वैल्यू वन आ रही है. टेंजेंट एक्स की वैल्यू वन जो है वो 45 पर होती है, दैट मीन्स टेंजेंट पाई बाई फोर पे होती है. टेंजेंट पाई बाई फोर पे. बट ये जो वैल्यू है इसकी पाई बाई फोर पे, ये तो एक ही क्वाड्रेंट में कवर हो गया, जबकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज हैं वो जीरो से लेकर 360 के बीच में रन कर रही हैं, यानी कि हमें फोर के फोर क्वाड्रेंट्स को कैरी करना है. अब फोर क्वाड्रेंट्स में से फर्स्ट क्वाड्रेंट था एक ऐसा जहां पर टेंजेंट पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वन जो आया आपका प्लस का है. एक और क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और वहां कौन सा क्वाड्रेंट है, वो थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट में से हमें मिलता है पाई प्लस. क्या मिलेगा, पाई प्लस. उसके अंदर एक तो पाई प्लस होता है और एक 3π/2 माइनस होता है. 3π/2 माइनस हम इसलिए कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी टी रेशियो को चेंज कर देगा. टेंजेंट जो है वो चेंज होकर कॉट में चला जाएगा, तो वो तो हम कैरी कर नहीं सकते उस क्वाड्रेंट में से. तो उसमें से एक ही वैल्यू हमें मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट में से, पाई प्लस. तो पाई प्लस पाई बाय फोर, क्योंकि पाई बाय फोर पे ही है ना एग्जैक्ट इसकी वैल्यू वन. तो एक और एंगल हमें मिल गया जिस पर वैल्यू वन आएगी, वो कौन सी, पाई प्लस पाई बाय. दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट. तो अब हमें पता लग रहा है कि एक्स की जो वैल्यूज हैं, जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, वो दो आ रही हैं. एक को आ रही है पाई बाय फोर और एक कोई पाई प्लस पाई बाय फोर. व्हाट इज पाई प्लस पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय. तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज बन गई. अब इन क्रिटिकल वैल्यूज की हेल्प से हम बनाएंगे हमारे इंटरवल्स और उनमें हम चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरवल्स बनाए जिसमें फर्स्ट इंटरवल होगा 0 टू पाई बाय 4 एंड द नेक्स्ट विल बी पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 एंड द लास्ट विल बी 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई. उसने जो x की रेंज है हमें दे रखी है 0 से 2 पाई के बीच में रन कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, वो 0 है इंटरवल्स का, और जो फाइनल पॉइंट है वो कितना है, 2 पाई. ठीक है. अब इन क्वाड्रेंट्स के बीच में से हम एक एक वैल्यू लेंगे और डेरिवेटिव के अंदर उसे रखकर चेक करेंगे. यानी कि नेक्स्ट जो केस हमें करना है वो करना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स. साइन ऑफ एफ डैश एक्स का 0 टू पाई बाय 4. 0 टू पाई बाय 4 मीन्स 0 टू 45. अब 0 टू 45 के बीच में हम एक एंगल ऐसा ले लेते हैं जिस पर हम ये वैल्यू को आसानी से चेक कर सकें, एंड दैट इज 30 डिग्री. दैट मीन्स कोस पाई बाय 6. तो कोस पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6. अब हमने यहाँ से कैरी किया है पाई बाय 6, 30 डिग्री. अब पाई बाय 6 जो है वो रखिए डेरिवेटिव में. हमने यहाँ रखा डेरिवेटिव में, तो ये बना कोस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6. कहाँ रख रहे हैं हम, ये डेरिवेटिव में रख रहे हैं.
ध्यान रखना है आपको भी कि ये डेरिवेटिव में रखा गया है। अब cos पाई बाई सिक्स की जो वैल्यू है, cos पाई बाई सिक्स की जो वैल्यू है वो आएगी रूट थ्री बाई टू, और साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू आएगी वन बाई टू। साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू वन बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई फोर टू फाइव पाई बाई फोर के बीच में एक वैल्यू, तो यहाँ हमें एक वैल्यू मिल सकती है 60 डिग्री की, 60 दैट मीन्स पाई बाई थ्री। तो अब वो भी तो अब इस सेकेंड इंटरवल में से हम कौन सा कंसिडर करेंगे, कोई एक पॉइंट हमने जिसपे वैल्यू टेस्ट करनी है पाई बाई थ्री। तो अब इसे डेरिवेटिव में रखना, आपको टेस्ट करने के लिए हमेशा डेरिवेटिव में रखनी है। cos पाई बाई थ्री माइनस साइन पाई बाई थ्री, cos पाई बाई थ्री इज वन बाई टू एंड साइन पाई बाई थ्री इज रूट थ्री बाई टू। इन द नेक्स्ट इंटरवल फाइव पाई बाय फोर टू टू पाई, फाइव पाई बाय फोर हो गया आपका 225 डिग्री और टू पाई हो गया आपका 360 डिग्री, तो उसके बीच में हमने टेस्ट वैल्यू ले ली थ्री पाई बाय टू। कौन सी? थ्री पाई बाय टू। तो अब ये थ्री पाई बाय टू भी डेरिवेटिव में रखेंगे हम, ताकि हम अपनी वैल्यू का जो है प्लस माइनस का जजमेंट कर सकें। थ्री पाई बाय टू माइनस साइन थ्री पाई बाय टू, 3 पाई बाई टू पे cos की वैल्यू होती है 0, 3 पाई बाई टू पे cos की वैल्यू होती है 0, sin की जो वैल्यू होती है 3 पाई बाई टू पे वो होती है माइनस वन, और एक माइनस ऑलरेडी है हमारे पास में, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1। अब हम इनके जो sin है वो कंक्लूड करते हैं, यहाँ देखिए इसका एलसीएम 2 आएगा, न्यूमिरेटर में वैल्यू रहेगी रूट 3 माइनस 1, रूट 3 होगा 1.732। अब 1.732 में से 1 माइनस होगा तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और यही कंक्लूजन हम यहाँ लगाएं, एलसीएम 2 हो गया कितना आ रहा है 1 माइनस रूट 3, यानी कि 1 में से क्या माइनस हो रहा है 1.732, और वो माइनस अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव, और थर्ड में हमारी जो वैल्यू 1 है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आप देखो आपका अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपके जो फंक्शन की नेचर है, फंक्शन की जो नेचर है वो क्या होती है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव हो तो उसकी नेचर क्या होगी, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जब नेगेटिव होगी तो उसकी नेचर क्या होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरह से पॉजिटिव है तो उसकी नेचर क्या रहेगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगी। तो हमारा जो गिवन फंक्शन था दैट इज द एडिशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स विद इन द रेंज 0 टू 2 पाई, वो कौन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, 0 से पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, और एक इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है वो कौन सा है, पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4। सिमिलरली हम यही क्वेश्चन जो है बहुत सारे वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं, उनमें आपके जो स्टेप्स हैं वो यही रहेंगे, बस जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, और आपके इसी तरह से टेस्ट वैल्यू लेकर आपके जो साइंस हैं वो भी जो है अकॉर्डिंग टू द इंटरवल जो चेंज होते रहेंगे।